के पावन कथा को सोई दूं सभा में। बहुत सुंदर प्रसंग। महाराता महारास जो महाओं के शाक्यों के शाक्यवर्ण मौर्य वंश के सम्राट महान अशोक सम्राट के पावन जीवन शीर्षक की घटनाओं के बारे में इस कथा में दिखाया और सुनाया जाएगा कि क्या क्या घटना महान सम्राट अशोक के जीवन काल में और आई और कैसे महान सम्राट अशोकों ने अपने जीवन में दुखों को सहन करके किस प्रकार से समाज में नाम रोशन किया, ये पावन प्रसंग आप लोग सुनेंगे। ए सुनो सभी दे ध्यान लगा कर कान तुम्हें बतलाऊं। कुनार के लड़के की गाथा रे साधारी दर्शाऊं। सुनो सभी दे ध्यान, सुनो सभी दे ध्यान लगा कर कान तुम्हें बतलाऊं तुम्हें समझाऊं। कुनार की दो आंखों की है गाथा बिर दर्शाऊं। मोर वंश सम्राट अशोक तो भाई की गाथा गाऊं तुम्हें समझाऊं। कुनार के प्यारे आंख की कहानी बहनों गाऊं। होली कैसे हो जाती है, होली कैसे हो जाती है हम सबको याद बताएंगे। रंजित भैया बिजुआ वाले को सभा बीच दर्शाएंगे। को बढ़ रही है आगे को बढ़ रही है सदा आगे को बढ़ रही है भाई आगे को बढ़ रही है। हमारी धीरे धीरे लता तथा आगे को बढ़ रही है। बोलिए भगवान बुद्ध की, बोलिए संविधान निर्माता की, बोलिए नारी मुक्ति दाता की। इधर महान सम्राट अशोक के जीवन काल की कहानी, एक कौन कुनाल कहां का रहने वाला और किस प्रकार से इसकी सुनहरी दोनों आंखों को इसकी सगी मौसी निकलवा लेती है, ये पावन माय चर्चा आप लोग कथा के माध्यम से झांकी के माध्यम से देखेंगे। इधर अशोक सम्राट और उनका मंत्री दरबार में बैठे हुए बतलाया गया।
मंत्री कहाँ, इधर आओ, आगे आओ फटाफट। महाराज अरे मंत्री, हाँ साहब, ये तो बता। हाँ महाराज, तू इतनी देर से आज कहाँ था, इतनी देर क्यों लगा दी? अरे महाराज, बात बताओ वाली नहीं है, कहो तो बता ही दे। बोल बोल बोल, डटी है तो ना? अरे नहीं डटू का, बोल तो डांटी दे। अरे अरे बता तो, नहीं डांटेंगे महाराज, डटी है तो ना? अरे कितनी बार बताऊं, नहीं कह रहा हूँ नहीं डांटूंगा महाराज। हम जब जवारक लिए निकले, हाँ, तो देखे का यो परोस वाला प्लाट ना है 14 कर वाला, हाँ हाँ, तो वही माँ कम से कम 17-18 गाय चल रही। अरे जब हम गाय देखे अपने दरबारी ऐसी वैसी देखे ने को नहीं मिले, तो हम अपने आप दौड़े लगे लगे। अच्छा, दौड़े लगे तो भारत बहुत तो दौड़े लगे। तले महाराज एक घटना घटी, वह घटना कैसे? क्या वही माँ एक डुड़ुई बचिया रहा है। डुड़ुई बचिया? हाँ, ये डुड़ुई बचिया क्या होता बे? अरे भूल गए, डुड़ुई बचिया, डुड़ुई। अरे डुड़ुई, हाँ, अरे डुड़ुई बचिया क्या होता है बे? अब आप, अरे लेयर जी का कहा, लेयर 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 छोटा बच्चा ना। हाँ जो लैया चरावल, लैया चरावल, ए लैया चला ए, तू मुझको मूर्ख बना रहा है? अरे नहीं राजा साहेब, हाँ, जो लैया चना चबा, लैया चना चबा, हाँ कौन जो दूध पियत कराए? दूध पियत? अरे दूध तो छोटे बच्चे सभी पीते हैं। अरे भैंसिया बछिया बछिया। अच्छा तो ऐसे बोलना बछिया। अरे वहां तो हम कहीं तुम्हें समझे समझने में नहीं पर। अच्छा मेरे समझ में नहीं आ रहा है। हाँ फिर जब उनका रपटा के दूर करें, हाँ, तो वह बछिया जो उन रहा है छोट, हाँ, वह बहुत मंत्री तेरी मौत तो नहीं आ गई है? कहे रहन महाराज डाटे ना। हाँ फिर क्या हुआ? फिर महाराज वह हमरे पर दौड़े लग, जब दौड़े लग, हाँ, तो हम भागे लगे बहुत तेज। अच्छा भागत 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 बहुत थक गए, बहुत हफ गए, तो ये गुम्मा के बिलवा मिला। काहे का गुम्मा के? गुम्मा के गुम्मा, अरे वो छोट होत गुम्मा के, बड़ी बड़ी डंगे होती। जब हम गुम्मा के बिलवा पाए गए, तो हम छत ऊपर चढ़ गए। अच्छा जब चढ़ गए, हाँ, अब महाराज एक घटना और घटी। अरे क्या? अब महाराज हम उतर ही नहीं पाया। अरे जब उतर नहीं पाया, तो मनवा विचार लगाए हम गए, अब तो बड़ी आफत। महाराज दरबार लाग गवा हुई, बड़ा भूत लगाए ना उतर पाए। अरे ना उतर पाए, तो सारे सोचे बिचारे घर का गए, घर का गया हूँ तो चीड़ ही लाए। ए यहाँ 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 पहले मूर्ख तू बता रहे? अच्छा तू पेड़ पे चढ़ा हुआ है? हाँ हाँ चढ़े। और तू कर घर पे चला गया? हाँ हाँ चढ़े चढ़े। धोखा हुआ
चढ़े चढ़े नहीं महाराज सपने में गे रहा तो ऐसे बोल सपने में गे रहा मुझको मूर्ख बना रहा है। हाँ फिर महाराज डांटे लागत हो। हाँ बोल बोल नहीं डांटूंगा बोल बोल। फिर महाराज जब हुआ से भज जा हाँ फिर उतर के सीढ़ी घर का लेंगे अरे अरे तब आए नहीं यहाँ यहाँ तू अरे यहाँ यहाँ महाराज बहुत डांटते हो। इधर आ तू पहले इधर आ ये बता तू मुझको मूर्ख बना रहा है उतनी देर से। नहीं महाराज हम काहे मूर्ख समझी ए मंत्री सुधर जा तू नहीं तो तेरी खेल रही है। तू तो कहा तू महाराज तो महाराज आप कहा सोद हो जाओ। अच्छा ये बता चल ये बातें छोड़ कौन बात महाराज बात आदि करी अपने वहाँ जो महारानी है ना हमरे हुआ हमरे हुआ। अरे मोर मैं महारानी की बात बता रहा हूँ। अच्छा अपने यहाँ हाँ हाँ ठीक ठीक तचरिता हाँ वो हाँ ना जाने कौन से ख्याल है मेरे थे कहाँ हैं काफी समय हो गया है हाँ हाँ वो भी नहीं आई है हाँ हाँ। और एक बात हमको ये बता हाँ। अपने वहाँ जो पहरेदार है ना पहुँचो महाराज वो नहीं दिखाई पड़ रहा है तो काफी समय हो गया कहाँ गया है महाराज वही पर हमारे बहुत गुस्सा लग गए रहे वही दिन। अच्छा बचकर आना हम खान देते न गोडन वास टांगे फाट देते ए मंत्री हाँ महाराज जा काफी समय हो गया है पहरेदारों को बुला के ला। ठीक महाराज जा जा अरे पहरेदार ओ पहरेदार पहरेदार चल चल अब बहन तुम्हारे बोल ले भी देखो हम वहाँ डांट खाई जीते हाँ यह बात कर फनका तनखा दे लगा महाराज ये यार ये गन्ना तोड़ा तो पकड़े ये मोटर की छिया तोड़ तेरा ए मंत्री हाँ साहब हमको लग रहा है तेरी अवस्था के साथ साथ तेरी बुद्धि भी जा रही है। नहीं महाराज बुद्धि गई रहा ससुराल के यहाँ फोन करे रहना आई नहीं है क्या बुद्धि गई रहा ससुराल तो ऐसे लग रहा है मानेगा नहीं। ए इधर इधर आ इधर इधर आ तेरी मौत तो नहीं तड़फड़ा रही है। हाँ हाँ मौत तो नहीं हमारी गलती कौन भाई ए मंत्री हाँ अब तो सही से रहना मुझको लग रहा है कि मैं तुझको अब नौकरी से निकालना पड़ेगा। अरे महाराज नौकरी से ना निकाल रहे हो। अच्छा नहीं तेरा लड़का 14 लौड़िया खाई है इनका तेरा लड़का 14 लौड़िया हाँ। ये क्या का खाई है तेरे घर में इतने बच्चे हाँ महाराज सब तेरे ही अब यहूं का मालूम मूर्ख बच्चे तेरे हैं तुझको नहीं मालूम है हम ना ही जानी पान महाराज। अच्छा ओ तुम यार जान तो ना हम तो दिल दिल दरबार पर रही था। ए मंत्री हाँ हाँ महाराज देखो मेरी एक बात मानो अरे हाँ महाराज तेरी बुद्धि हमको लग रहा है आज फोन करवा बुद्धि आ जाए ससुराल में गए हैं उठेगा नहीं तो
महाराज ऐसे तो बैठा जाते ए मंत्री जाओ ओ रानी साहिबा को बुला के लाओ। रानी साहब ने हाँ महाराज हम अकेले जाए कल्याण हो बैठो। महारानी उपस्थित हैं दरबार। बहुत अच्छे। आज महाराज महारानी बैठे हुए हैं आंगन में। ए मंत्री तू आजकल बहुत ज्यादा बोलने लगा है। महाराज सही ड्यूटी न कर फिर देते हो हमका। मुझको ऐसा लग रहा है तू अब ज्यादा दिन इस राज में नहीं चलने वाला है। कहे महाराज का जाए वाले होंगे नहीं का। आज महाराज महारानी साहिबा दोनों बैठे हुए हैं। इधर अशोक सम्राट के मन में काफी विचार आ रहे हैं। एक दिन का जिक्र हुआ महान सम्राट अशोक अपनी रानी से समझा कर कहने लगे सुनो भद्री एक बात तुमसे मैंने अभी तक बहुत छुपाई रखी है लेकिन आज मैं तुमको वो बात बताने वाला हूँ सुनो। अरे एक बात हमसे छुपी अरे मेरी रानिया मेरी रानिया कोई सुनियो वचन हमारे हे भद्री एक बात मैंने तुमसे बहुत छुपाई रखी कहना तो बहुत चाहा लेकिन कह नहीं पाया सुनो। अरे एक बात हमसे छुपी अरे मेरी रानिया कोई सुनियो बात हमारी जी सुनो तो चिंता मेरा एक प्यारा सुंदर सा लाडला है और वो लाडला मैंने तुमको आज तक नहीं बताया सुनो। अरे एक कुंवारा मेरो है सुनो मेरी नदी कोई तुमको रहे बते अपने वहां एक लाल है उसके विषय में मैंने तुमको नहीं बताया कई बार कोशिश की बताने के लिए लेकिन नहीं बता पाए सुनो। अरे कोड़ा नाम है उसका मेरे नदिया अरे कोड़ा नाम उसका है सुनो मेरे नदिया कोई तू को बते लाई
हमसे ये राज छुपा कर रखी। अरे क्या मैं आपकी पत्नी नहीं जो हमसे ये बातें आप छुपा कर रखे। अरे क्या नहीं मैं आपकी रानी शानी। ऐसी बात नहीं है कोई भद्री, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे ये बात क्यों छुपाई रखी है कोई क्या आप जी। हे नाग आप ऐसा करो कि उसको बुलवाओ, मैं देखना चाहती हूँ। अरे जल्दी घर बुलाई लो मेरे स्वामी। सुनो ना सुनो ना। अरे जल्दी उसको बुलाई लो मेरे राजा। कोई रही हो तुमको सहराई जी। स्वामी मेरे नैन तरस रहे हैं, उसको बुला लीजिए ना। अरे नैन तरस रहे देखने को सजना। अरे नैन तरस रहे देखने को राजा। कोई लीजो तुरंत बुलाई जी। बोलिए भगवान बुद्ध की। हे स्वामी स्वामी ये बात हमसे क्यों छुपाई। ऐसा करो नाथ कि जल्दी से उसको बुलाइए, मेरे तो नेत्र तरस रहे देखने के लिए। आज महान सम्राट अशोक कहने लगे ठीक है भद्री, मैं उसको संदेश भेज रहा हूँ। ए मंत्रे ओए राजा तू बाज नहीं आ रहा है। मंत्री जवान लौट गई रहा है। जहान जहान लौट जब जहाज जवान 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 तेरी सही कर दूंगा मैं। हाँ अपने वहां जो लड़का है ना कुणाल हमरे हुआ। अरे मूर्ख क्या मैं बताऊं, मुझको तो अब मेरी भी बुद्धि तेरे से भर गई है। कहे तन महाराज तो चार दिन की तन मेहमान को भेजते हो। अच्छा भेज देंगे भेज दूंगा हमेशा हमेशा के लिए तुझको भेज दूंगा। हाँ महाराज ऐसा जा कर। हाँ जा कुणाल को जहाँ कहीं भी हो हाँ उसको विधवत महलों में बुलाने का कष्ट कर। और एक बात सो अगर पूछे तो उससे बता देना कि तुम्हारे पिता ने याद किया है तुमको, देखना चाहते हैं और काफी दिन हो गए मैं उसको भी देखा भी नहीं हूँ। जा मंत्री बुला के ला। महाराज हम जाएगी नौकरान बचाएगी। अरे तो जा हो महाराज कुदार के यहाँ विधवा करके। ए, तेरी मौत फड़फड़ा रही है। भूल गए महाराज फिर से। मैं कह रहा हूँ अपने वहाँ जो बेटा है ना कुणाल। अच्छा हाँ कुदार नहीं लाओगे बेट लाओ बेट का। महाराज तेरी समझ में नहीं आ रहा है क्या, तुझसे लगता है कोई काम नहीं होगा। बता दो महाराज डांटते लागे तुम्हारी हो। मैं ये कह रहा हूँ
अपने घरों महलों में जो कुणाल रहता था ना। अच्छा अपने ही हाँ 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 हम कहीं गन्ना गोड़े वाली कुदारी। अरे बुरखो जा हाँ विद्वत उसको बुला करके ले आ ठीक महाराज और कहना कि तुम्हारे पिता ने याद किया है तुमको। ठीक महाराज आप पहले इंतजार करो हम तब तक बाजार करें। आज मेरे बंधु इधर मंत्री तुरंत चल देता है हुआ से। अरे नहीं पलकी बंद देर लगाई और सारी बातों को बता दो सारा हाल हवाला बताए। अरे सुनत खबर क्यों ना लहे भागो क्यों मेरे पिता ने लीने बुलाए। अरे जब पहुंचा है पास जाके पलकी देर नहीं करी आभार। अरे साथ चलो है उसके फोटो जिसका नाम कुमाल बता। हेलो पिता के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कल्याण हो मंगल हो बेटा। अरे लाल हाँ पिताजी। हे लाल हाँ पिताश्री। ये तुम्हारी मौसी है पास में बैठी हुई देखो। माँ के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कल्याण हो। हे बेटा हाँ पिताजी। मेरा बहुत मन कह रहा था तुझको देखने के लिए और लाल हाँ बड़ी आशा थी। बहुत दिन हो गए थे तुम्हारी मौसी भी तुमको याद कर रही थी कि कुनार को दिखाओ। मेरा भी बहुत मन कह रहा था काफी दिन हो गए लाल तुझको देखा नहीं है मेरा मन नहीं लग रहा है। पिताजी हाँ मेरा भी मन नहीं लग रहा था आपको बिना देखे हुए पिताजी। बेटा हाँ पिताश्री। आज
कि रात को तुझको यही रुकना है, कहीं नहीं जाना है। और आज महलों में बड़ा ही धूमधाम व्यवस्था होगी बेटा। और बेटा ये बता, हाँ पिताजी, तेरा संगीत में कैसे चल रहा है? सब पिताजी आपकी दुआएं हैं, आपका प्यार है पिताजी। अच्छा, संगीत में तो निपट तो हो गया है? हाँ पिताजी। अच्छा अच्छा, ऐसा कर बेटा, हाँ अपने साथी लोगों को बुला ले, आज कुछ महलों में रात के समय संगीत में सुनना व देखना चाहता हूँ पिताजी। हाँ, आप साथियों की बात करते हैं? हाँ, जिन पर मैं विश्वास करता था पिताजी, हाँ वही आज मुझे धोखा देकर भी चले गए पिताजी। अरे बेटा, मंत्री ए मंत्री, जा महल में, हाँ सारी तैयारी करवा दे, नगर में ढिढोरा पिटवा दे कि आज महलों में संगीत में की प्रस्तुति होगी, जिसको भी आना है वो आ जाए। जा ठीक महाराज, सारी आई है का? अरे क्या बता रहा है महाराज, आपने कहा सारी आई है बुलाई? अरे मैं कह रहा हूँ मूर्ख, हाँ मैं कह रहा हूँ, तो प्रजा के लोगों से बोल दे, आज महलों में जश्न की व्यवस्था होगी, संगीत में प्रस्तुति होगी, और जिसको भी आना है सभी लोग आए और खूब खुशियां मनाए। अच्छा महाराज, वो उतना ही कहा जो ढिढोरा कहा जाए? हाँ हाँ ढिढोरा, ठीक ठीक, जा जा सुनो सुनो क्षेत्रवासी। अरे हटाओ यार, मुहर्रम ठाड़े हो, वैसे ठाड़े हो जाए, कुंवारी धोखा ठोके दी हो यार। हेलो हेलो बैंडवासी, एम बैंडवासी, एम ग्रामवासी, एम क्षेत्रवासी, सभी को सूचित किया जाता है कि महाराज के दरबार में बहुत खुशियां मनाई जाएंगी और सभी लोगों को आना है दरबार में। और भाई एक बात ना सुने, सेव संतरा अंगूर काले जामुन मीठा बतासा लड्डू बर्फी सब कुछ है, कमी कोई चीज है नहीं, खाना अपने अपने घर से खाए खाए। ए मंत्री, ओ महाराज, क्या तू बता के आया है? कुछ नहीं महाराज, हम का जौन कह रहा वह कहे, क्या कहकर आया है? हम कहें महाराज, दरबार में यहाँ आए हो सब लोग, हाँ। और खाना पीने की व्यवस्था है, हाँ। और थोड़ा बहुत नाच कूद हो, हाँ। आए हो सब लोग, देखे हुआ है। अच्छा अच्छा, यही कहा है? यहाँ कहे ना। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, और कुछ नहीं कही बात? हाँ कोई बात, हे भद्री सुनो। हाँ महाराज, अपने महलों में, हाँ अरे अपने महलों में कहा सा? मैं तुझसे कह रहा हूँ, हमसे कहा, हम कहें हमरे महलों की बात कर, ठीक महाराज कहो। ए भद्री, ए सुनो, अपने महलों में आज काफी दिनों के बाद, हाँ